नमस्कार साथियों, जय महेश, जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी विचार मंच के तत्वावधान में, ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच के संयोजन में यूट्यूब का ये कार्यक्रम चेंज विद द चेंज में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, भाइयों, युवा युवतियों और समाज के समस्त बंधुवर, जैसा कि हमने आपको पिछले सप्ताह भी कहा था कि हमारा इस चेंज विद द चेंज का कार्यक्रम एक वर्ष अपना पूर्ण कर चुका है और हम अगले सप्ताह से दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और साथ में हमने आपसे ये भी जानकारी दी थी आपको कि अगले सप्ताह से हम किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे और विशेष सब्जेक्ट को लेकर के। संयोग से इस बार योग दिवस पड़ गया और ये योग दिवस का सप्ताह है, तो स्वाभाविक बात है कि योग, स्वास्थ्य और कोरोना, इनका एक मिश्रण हमारे सामने दिख रहा है। और इस विषय पे आज हमने जिनको आमंत्रित किया है वो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर है और मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनके लिए उनके परिचय के विषय में मैं क्या कहूं, क्योंकि जब वो बोलते हैं उनकी वाणी से लोग इतने प्रभावित होते हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। योग वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय रमेश जी परतानी साहब, आज आप उनकी वाणी से सुनिए इस योग दिवस पे कि हम कैसे स्वस्थ रहें और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री रमेश जी परतानी साहब को। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है रमेश जी। धन्यवाद। मुझे आदेश हुआ है कि मैं योग दिवस पर योग, स्वास्थ्य एवं कोरोना पर बात करूं और 15 मिनट का मुझे समय दिया गया है, तो इसी हिसाब से चर्चा आरंभ करते हैं। स्वस्थ रहना, ये शब्द संस्कृत में स्वस्थ का अर्थ है जो स्वयं में स्थापित है, वो स्वस्थ है। स्वयं में स्थापित होना, इसका अर्थ है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का अलाइनमेंट सही होना, और ये सही अलाइनमेंट करने के लिए आज से 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने इस विश्व को योग सूत्रों की भेंट दी एक पुस्तक के माध्यम से। योग सूत्र पुस्तक में इतना परफेक्ट वे ऑफ लिविंग है कि जिसको पिछले 2500 वर्षों में कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा इसका चेंज किसी ने नहीं किया, कर ही नहीं सकते। इतना परफेक्ट वे ऑफ लिविंग साइंस है। 8 पद उन्होंने बताए महर्षि पतंजलि ने योग के, बॉडी, माइंड एंड सोल के अलाइनमेंट के लिए। पहले 2 पद यम और नियम। यम मतलब वो जो नहीं करना चाहिए और नियम मतलब वो जो अवश्य करना चाहिए। ये फिलॉसफी ऑफ लिविंग लाइफ है। 5 मोटे मोटे मुद्दे उन्होंने बता दिए यम में और 5 मोटे मुद्दे बता दिए नियम में कि ये 5 चीजें नहीं की जाएं और ये 5 चीजें अवश्य की जाएं। ये डिसिप्लिन है, लाइफ का अनुशासन है, जीवन का अनुशासन। तीसरा जो पद है महर्षि पतंजलि ने दिया, आसन, योगासन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आसन कोई 125-150 प्रकार के आसन हैं और हर एक आसन के अलग अलग प्रकार के लाभ हैं। आसन केवल एक ही एक्सरसाइज है, व्यायाम है सारे विश्व में, जिससे आप स्वस्थ रख सकते हो अपने शरीर को। बाकी सारे एक्सरसाइज जो हैं वो मसल्स के एक्सरसाइज है, बॉडी बिल्डिंग होती है, 6 पैक्स मिल सकते हैं आपको। योग में बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, आसन में बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, आसन में हेल्थ बिल्डिंग होती है,
क्योंकि ये जो 125-150 अलग अलग प्रकार के जो आसन हैं, इनको करते समय या तो आप अपने शरीर को एक्सपैंड करते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो या ट्विस्ट करते हो या टर्न करते हो, और ऐसा करने में अंदर के जो अवयव हैं इनको आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हो, डिटॉक्सिफाई करते हो। शेष सारे एक्सरसाइज मसल्स के एक्सरसाइज, इसलिए आप कोई भी एक्सरसाइज करो, जिम हो, एरोबिक्स हो, किसी भी प्रकार का, उससे आप थक जाओगे क्योंकि मसल्स का एक्सरसाइज है। मसल्स के एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है मसल्स में, जिससे आपको थकान या फटीग महसूस होती है। केवल योग ही एक ऐसा एक्सरसाइज है जो शरीर के अवयवों का एक्सरसाइज है, और इसको करने में आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं, तो आप योगासन के बाद अपने आप को उल्टा फ्रेश महसूस करते हैं, बाकी हर एक्सरसाइज में थकान महसूस करते हो। तो ये तीसरा पद है योग का। चौथा पद योग का है प्राणायाम। प्राण मतलब सांस, आयाम मतलब रेगुलेशन, नियंत्रण। तो सांस का नियंत्रण, सांस से आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन, और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आप बिना ऑक्सीजन के 10 मिनट नहीं जीवित रहोगे। आपकी जो जीवन शक्ति है वो एक मोमबत्ती की लौ जैसी है। आप मोमबत्ती की लौ को कम ऑक्सीजन दोगे, वो फड़फड़ाएगी, स्ट्रगल करेगी, बुझने लगेगी। सही मात्रा में ऑक्सीजन दोगे वो तेज जलेगी, रोशनी अधिक होगी। तो प्राणायाम से आप अपनी जीवन शक्ति को, जो मोमबत्ती की लौ जैसी है, इसको आप सही मात्रा में रेगुलेटेड ऑक्सीजन इनटेक लेते हो, जिससे आपको एनर्जी लेवल ऊंचे मिलते हैं। जैसे मोमबत्ती की लौ का प्रकाश अधिक होता है सही ऑक्सीजन मिलने से, ऐसे ही आपकी जीवन शक्ति का स्टैमिना आपकी बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। 15 मिनट आप प्राणायाम करो दिन में, रात को 10 बजे भी यू विल बी रोरिंग विथ एनर्जी, इतनी एनर्जी मिलती है आपको प्राणायाम से। 70-80 प्रकार के प्राणायाम है, और हर प्राणायाम का एक अलग लाभ है। 2-3 बेसिक रूल हैं प्राणायाम के। बेसिक रूल क्या है? जब सांस लो तो गहरी से गहरी लो, जब सांस छोड़ो तो पूरी की पूरी छोड़ो। क्यों? क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं, एक सांस में 3.5 लीटर हवा इसमें भर सकते हो आप, इतना फूल सकते हैं आपके फेफड़े। साधारण व्यक्ति एक सांस में 400 से 500 सीसी हवा लेता है। तो इसका अर्थ यह है कि आप 12 से 15% अपने फेफड़ों की कैपेसिटी साधारण दिवस में यूज करते हो नॉर्मली सांस लेते समय, बाकी 85% आपके फेफड़ों की कैपेसिटी यूज ही नहीं होती है। तो क्या होगा? जो उसकी लचक है, जो इलास्टिसिटी है फेफड़ों की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर एडवांस मिडिल एज में आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। दिन में 15 मिनट यदि आप पूरी गहरी सांस लो तो फेफड़े पूरे फूलेंगे, जब आप पूरी सांस छोड़ो तो फेफड़े पूरे पिचकेंगे, और ये 15 मिनट कर लेने से आपके फेफड़ों की लचक हमेशा के लिए ठीक रहती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होते, एनर्जी लेवल हाई रहता है। ये एक बेसिक रूल है, सांस लो तो गहरी लो, सांस छोड़ो तो पूरी छोड़ो। एक और भी इसका कारण है गहरी सांस लेने का, प्रकृति का नियम है ये कि आप जितनी गहरी सांस लोगे उतना लंबा आपका जीवन होगा। उदाहरण देता हूं आपको, चूहों को देखिए आप, 1 मिनट में 80-85 बार वो सांस लेते और छोड़ते हैं, पेट उनका फपक 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 ऐसे करता ही रहता है सांस के साथ। तो एवरेज जीवन चूहों का 6 महीने का है। आप कुत्ते को देखिए, 1 मिनट में एवरेज 40-45 बार वो सांस लेता और छोड़ता है, जबान लटकी रहेगी। एवरेज जीवन कुत्ते का 9-12 साल का है।
इंसान, साधारण इंसान एक मिनट में 13 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। एवरेज लाइफ स्पैन 70-75 साल हो रहा है। कछुआ एक मिनट में 2 या 3 बार सांस लेता और छोड़ता है। उसकी जीवन की अवधि एवरेज औसतन 150 से 200 साल है। तो जितनी गहरी आप सांस लोगे उतना लंबा आपका जीवन होगा। ये प्रकृति का नियम है और इसीलिए प्राणायाम का बेसिक नियम यह भी है कि जब सांस लो तो गहरी से गहरी लो, जब सांस छोड़ो तो पूरी की पूरी छोड़ो। ये चौथा एस्पेक्ट है योग का, प्राणायाम। तो यम और नियम ये अनुशासन है जीवन का, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आसन शरीर के स्वास्थ्य के लिए और प्राणायाम हाई एनर्जी लेवल, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को दूर रखने के लिए। पांचवा जो पद है योग का यह है प्रत्याहार। प्रत्याहार है अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर के विश्व से अंदर के विश्व की ओर मोड़ लेना। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए और जीभ स्वाद के लिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर के विश्व को देखते सुनते समझते हैं। ये इनपुट है हमारे माइंड का। पर योग की धारणा ये है कि जितना बाहर विश्व है, जितना बाहर ब्रह्मांड है, उतना ही एक ब्रह्मांड भीतर भी है। और 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर के ब्रह्मांड को देखने में बिजी रखने का जो साधारण जीवन है, बाहर के ब्रह्मांड से इन ज्ञानेंद्रियों को ओरिएंट कर लेना इंटरनल यूनिवर्स की तरफ, आंतरिक ब्रह्मांड की ओर। आंखें देखें अंदर क्या चल रहा है, कान सुने अंदर की ध्वनियां, स्पर्श अंदर का महसूस हो, गंध और स्वाद अंदर का मिले। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर के विश्व से खींचकर अंदर की ओर ओरिएंट कर लेना, ये प्रत्याहार की क्रिया है। कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। शरीर को स्वस्थ कर लिया, एनर्जी लेवल हाई हो गया, जीवन में डिसिप्लिन आ गया, 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर के विश्व से अंदर के विश्व की ओर मोड़ लिया, आंखें बंद कर ली, कान अंतर्मुखी हो गए, अंदर देख रहे हो। अब अंदर के विश्व में धारणा, ये छठा पद है योग का। धारणा मतलब अपने मन में एक विचार पर अपने पूरे मन को केंद्रित कर लेना। हमारे मन में प्रतिदिन 30,000 से 60,000 विचार आते हैं। सारी एनर्जी हमारी चेतना की, सारी मन की शक्ति डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है 30 से 60,000 विचारों पर। उन सब बहिर्मुखी विचारों से मन में, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, मन के इनपुट को अंदर कर लिया, अब मन में एक धारणा, एक विचार, इस पर मन पूरा केंद्रित हो, यह धारणा है। सिंगल माइंडेड फोकस इन योर माइंड, यह धारणा है। सातवां सबसे महत्वपूर्ण पद योग का है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान संधि है 2 शब्दों की। धी मतलब चेतना, यान अनइंटरप्टेड फ्लो, अनवरत प्रवाह। अपनी चेतना का अनवरत प्रवाह हो उस एक धारणा की ओर जो आप, जिस पर आपका मन केंद्रित है, जो मन में आपने एक धारणा, एक सिंगल माइंडेड फोकस क्रिएट किया है, आपकी सारी की सारी चेतना उस एक विचार की ओर अनवरत बहे, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, ये ध्यान है। ध्यान के बारे में बहुत मंबो जंबो फैला है सारे विश्व में, बहुत कंफ्यूजन है। पतंजलि का की परिभाषा सिंपल है, सारी की सारी चेतना, आपकी संपूर्ण समूची चेतना आपके मन की एक धारणा की ओर अनवरत बहे। दिस अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। अब अनइंटरप्टेड फ्लो को समझना आसान नहीं है,
उदाहरण देकर समझाता हूं। बाथरूम में जाइए, नल को पूरी तरह से खोल दीजिए, पानी का तेज प्रवाह नल में से नीचे गिर रहा है। प्रश्न यह है कि यह पानी का फुल फ्लो, तेज प्रवाह जो नल में से गिर रहा है पूरे प्रेशर के साथ, ये पानी का प्रवाह इंटरप्टेड है कि अनइंटरप्टेड है? अधिकतर लोग कहेंगे अनइंटरप्टेड है, क्योंकि फुल स्पीड से गिर रहा है। यह प्रवाह इंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड नहीं है, क्योंकि कितना भी तेज बहे पानी, उसमें हवा के बुलबुले तो होंगे ही। इंटरप्टेड प्रवाह है। अनइंटरप्टेड प्रवाह को समझने के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक बर्तन में तेल रखा है, दूसरा बर्तन खाली है। आप भरे हुए बर्तन में से तेल की धार दूसरे खाली बर्तन में डाल रहे हो। ये जो तेल की धार बह रही है, इसमें कोई बुलबुले नहीं है, ये अनइंटरप्टेड फ्लो है। ऐसा विस्कस प्रवाह, प्रगाढ़ प्रवाह हमारी पूरी चेतना का एक विचार की ओर, धारणा की ओर बहने लगे। इंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज मेडिटेशन। ये सातवां पद है, और आठवां और अंतिम पद है समाधि। सम प्लस धी, सम मतलब बराबर हो जाना, एक हो जाना, और धी मतलब चेतना। जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाए, मर्ज हो जाए, ये समाधि है, आठवां पद। जब आपकी चेतना का पूरा प्रवाह मन की एकमात्र धारणा की ओर अनवरत, अनइंटरप्टेड फ्लो होने लगता है, इन दिस अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस थिंकर एंड द थॉट बिकम वन। ये मर्जर है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक की चेतना का ब्रह्मांड की संपूर्ण चेतना के साथ विलय हो जाना, ये समाधि। ये आठवां पद है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का, और यही योग का पर्पस है। योग शब्द जो है संस्कृत की धातु से निकला हुआ है, संस्कृत की धातु है युज। युज का मतलब जॉइनिंग। जॉइनिंग व्हाट विथ व्हाट? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, जागृत रूप में ही विलय। मरकर समाधि नहीं है योग की धारणा। योगी जब चाहे, जितनी बार चाहे, इस एकात्मता का अनुभव कर सकता है, यह समाधि है। ये अलाइनमेंट हो जाए माइंड बॉडी और स्पिरिट, डिसिप्लिन आ जाए जीवन में यम और नियम से, आसन से शरीर में स्वास्थ्य आ जाए, प्राणायाम से एनर्जी लेवल ऊंची हो, ये प्रिपरेशन है। इसके बाद पांचों ज्ञानेंद्रियों को अंदर के विश्व पर केंद्रित कर ले, मन में एक धारणा बना ले, वो धारणा कुछ भी हो, जो आप जीवन में पाना चाहते हो वो एक धारणा हो आपके मन में। ईश्वर प्राप्ति की चाह है तो ईश्वर की धारणा हो, धन प्राप्ति की चाह है तो धन की धारणा हो, जो भी धारणा हो, फिर आपकी पूरी चेतना उस एक धारणा की ओर अनवरत, निरंतर, सतत बहे। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। उस अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस में थिंकर एंड थॉट बिकम वन, साधक और साध्य एक हो जाते हैं, ये समाधि। ये रिच साइंस ऑफ योग है जो महर्षि पतंजलि ने हमको दिया है। शरीर में स्वास्थ्य, मन में स्वास्थ्य, और आत्मा की एकाग्रता ब्रह्मांड के साथ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, ये अलाइनमेंट चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो। शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ नहीं है, कैसे स्वस्थ रहोगे आप? साइकोलॉजी इंपैक्ट्स फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इंपैक्ट साइकोलॉजी। शरीर में शराब पियोगे, मन भ्रमित होगा, मन में चिंता करोगे, शरीर दर्द करेगा।
दोनों की अलाइनमेंट चाहिए और अल्टीमेटली फिर उसकी अलाइनमेंट जीवात्मा की परमात्मा से चाहिए। ये परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाए देन इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, फिर बड़ी से बड़ी दुविधा आ जाए जीवन में आप विचलित नहीं होंगे, बड़े से बड़ा सुख आ जाए जीवन में आप ज्यादा उछलोगे नहीं। ये इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, ये साध्य है योग का। दिस इज परफेक्ट हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपका आभार है, बहुत बहुत आपका आभार है। और आपने जो हमें योग का जो पतंजलि का विस्तृत रूप से समझाया, हम आपके आभारी हैं। और हम फिर अगले पक्ष में किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ में आपसे मिलेंगे इस चेंज विद द चेंज के प्रोग्राम में। धन्यवाद। जय महेश।